हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। आज हम 11th क्लास के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए जो टॉपिक है वो रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने से पहले हमें एक्यूरेट और प्रिसाइज के बारे में पढ़ना जरूरी है कि एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है। इसका यूज हम जनरली एक्सपेरिमेंट के दौरान करते हैं या कोई भी मैथमेटिकल टर्म जब हम कैलकुलेट करते हैं उसके सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं उस टाइम पे इसका यूज करते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको निकालने होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल हैं, उन रूल को हम बताएंगे कि कौन कौन से रूल हैं जिनके द्वारा हम सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करते हैं। दूसरा, एक्यूरेट और प्रिसाइज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक्यूरेट और प्रिसाइज को हम केमिस्ट्री में कहां पर यूज करते हैं, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो हमें कोई भी क्रिस्टल दिए गए हैं और हमें बताया जाता है कि आपके पास कोई ना कोई यील्ड आएगा। आपके पास यील्ड जो होगा, मान लो 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ भी कैलकुलेटेड एक यील्ड होता है, लेकिन जनरली हमारी वैल्यू वो कैलकुलेटेड यील्ड के इक्वल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि इसमें मेजरमेंट में डिफरेंट हो, मेजरमेंट में हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं। मान लो हमें जो मेजर करके लेना है कोई भी सब्सटेंस, मान लो कोई क्रिस्टल लेने हैं, वो मैं कहता हूं कि आपने 10 ग्राम लेने हैं, लेकिन कई स्टूडेंट क्या है उसको थोड़ा सा कम ले रहे हैं, कई 9.9 ग्राम ले रहे हैं, कई 10.1 ग्राम भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारी जो कैलकुलेटेड यील्ड है वो नहीं आ पाएगी, उसमें कुछ भी चेंज आ सकता है। इसके पीछे जरूरी नहीं है मेजरमेंट ही रीजन है, इसके पीछे हमारा टेम्परेचर रीजन हो सकता है, या कई बार स्टूडेंट जो है फिल्टर पेपर पे लेके, मान लो कोई सब्सटेंस लेके गए, कोई कंपाउंड अगर हम फिल्टर पेपर पे लेके जाते हैं तो कुछ वो फिल्टर पेपर पे लगा रह जाता है। कई बार उसको हम जिस चीज में, मान लो चाइना डिश में उसको हमने डाला और जो हम एक्सपेरिमेंट दिया गया उसको परफॉर्म किया तो थोड़ा बहुत चाइना डिश में लगा हुआ रह गया है। तो मतलब कि कई रीजंस हैं जिसकी वजह से यील्ड में चेंज आता है। तो हम जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। आपने जनरली देखा होगा जब भी आप लैब में कार्य करते हैं तो आपको लैब में जो है एक एक्सपेरिमेंट 3 बार रिवाइज करवाया जाता है कि आप इसको 3 बार रिपीट करिए ताकि आपकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आ जाए, ठीक है। और इसी को हम एक्यूरेट या प्रिसाइज बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें तो दोनों का सेम सा है कि एक्यूरेट और प्रिसाइज में इतना फर्क नहीं होता है, लेकिन साइंटिफिकली इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। देखिए एक्यूरेट का डेफिनेशन देखिए, पहले डिफरेंट मेजरमेंट, जो भी हम डिफरेंट मेजरमेंट कर रहे हैं अगर वो किसके नजदीक आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू के, जो भी हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, मान लो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है 10, हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो कितनी है 10, अगर डिफरेंट मैं मेजरमेंट करता हूं और 10 ग्राम मान लो आना चाहिए हमारे पास यील्ड, ठीक है, मैंने डिफरेंट मेजरमेंट करी और मेजरमेंट 9.9 ग्राम आ रहा है, ठीक है, किसी का 9.8 ग्राम आ रहा है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ए स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक्सपेरिमेंट के बाद उसने सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया है और उसकी जो वैल्यू आई है वो देखो कुछ इस तरह से आ गई है। मान लो उसने सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वैल्यू आई है 9.9 ग्राम आ गई है उसकी, ठीक है। एक और बार उसको एक्सपेरिमेंट के लिए बोला गया, अब उसकी वैल्यू 10.1 ग्राम आ गई यील्ड की, ठीक है। अब एक और बार उसने थर्ड बार उसको ट्राई किया, अब वो फिर 9.8 आ गई है। तो देखिए ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके बिल्कुल नजदीक है, हमने डिफरेंट वैल्यूज ली है, ठीक है, अलग अलग बार 3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, लेकिन वो क्या है कि हमारे पास कैलकुलेट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो इज क्लोज टू कैलकुलेटेड वैल्यू। डिफरेंट मेजरमेंट और क्लोज टू कैलकुलेटेड वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेट। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेंसी, कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें एक्यूरेंसी है, मतलब एक्यूरेट है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूरेट। अब प्रिसाइज क्या होता है, देखिए प्रिसाइज में थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लो कोई और स्टूडेंट है जो है बी, ठीक है, अब देखिए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, मान लो उसने उसको हमने बोला कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो यील्ड की है वो 10 ग्राम आनी चाहिए, लेकिन उसकी उससे बेचारे मेजरमेंट में या कहीं भी कोई भी मिस्टेक हुई है, मान लो उसका जो रिजल्ट है वो ये आ रहा है 9.1 ग्राम है, ठीक है, 9.2 ग्राम है या 9.3 ग्राम है, ठीक है, इतना उसका यील्ड आ रहा है। अब आप देखिए
वैल्यू जो निकाल रहा है ठीक है वो बिल्कुल प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब है जो डिफरेंट वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल आसपास है तो इस वैल्यू को हम प्रिसाइज वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, बेशक वो कैलकुलेटेड वैल्यू से दूर है, मान लो कैलकुलेटेड वैल्यू 10 ग्राम आनी चाहिए लेकिन यहां पर 9.1 9.2 9.3 ग्राम आ रही है, देखिए इसके बिल्कुल भी नजदीक नहीं है। मान लो उसने जो लिया है उसने स्टार्टिंग में मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती की है, मान लो उसने जितना लेना चाहिए था जो स्टार्टिंग में हम क्रिस्टल लेके चल रहे थे मान लो 10 ग्राम लेना चाहिए था, उसने कुदरती वो उसको कम लेके चल रहा है, जिसकी वजह से वो कम लेने की वजह से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यील्ड का वो जो है वो ये आ रही है 9.1 है 9.2 है 9.3 है, लेकिन है तो ये मतलब देखिए बिल्कुल पास पास जो कर रहा है वो कर तो ठीक रहा है एक्सपेरिमेंट ठीक है, लेकिन उसे मेजरमेंट में कोई ना कोई गलती हो रखी है जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, या फिर वो कहीं थोड़ा बहुत लगा हुआ रह गया किसी ऑपरेटर के साथ, ठीक है इसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन देखिए वैल्यू अगर क्लोज है एक दूसरे के तो इसको हम बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू, ये हमारी क्या है प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर कोई वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज अगर जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और नियर टू कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है नियर टू कैलकुलेटेड वैल्यू तो देन इट इज एक्यूरेट, इफ डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर आर क्लोज टू ईच अदर देन इट इज प्रिसाइज। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास चलो एक और सी स्टूडेंट है उसने कैलकुलेट किया कि 9.6 ग्राम आ गया, एक बार उसका 10.2 ग्राम आ गया है, अब उसने मतलब ऐसे उसने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बार उसका वैल्यू 9.6 आ रहा है एक बार 10.2 आ रहा है, देन दोबारा फिर उसने किया 10.3 ग्राम आ रहा है। अब देखिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ठीक है वो आनी चाहिए 10 ग्राम, ठीक है लेकिन जो उसकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू आ रही है उनमें काफी डिफरेंस है। ठीक है, ना तो देखिए वो इसके नजदीक है, ठीक है ना ही क्या है वो इसके ना तो इसके बिल्कुल पास है कि इसके बिल्कुल पास हो दोनों वैल्यू, लेकिन वो इसे दूर दूर है, कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में काफी डिफरेंस है और वो आपस में भी क्लोज नहीं है, वो आपस में भी क्लोज नहीं है एक दूसरे के पास पास नहीं है, तो ये नोट एक्यूरेट नोट नाइदर प्रिसाइज, नोट एक्यूरेट नाइदर प्रिसाइज, ठीक है नाइदर प्रिसाइज, ठीक है नाइदर प्रिसाइज, तो इस चीज का आपने याद रखना है। ठीक है, अगर देखिए अगर कैलकुलेटेड वैल्यू के आसपास वैल्यू आ रही है तो वो एक्यूरेट है, अगर वो आपस में क्लोज टू ईच अदर है सारी वैल्यू जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही हैं अगर वो क्लोज टू ईच अदर है देन इट इज प्रिसाइज, अगर उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है और वो कैलकुलेटेड वैल्यू के भी आसपास नहीं है तो ना तो वो एक्यूरेट है ना ही वो प्रिसाइज है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के नजदीक नहीं है बट दे आर क्लोज टू कैलकुलेटेड वैल्यू देन इट इज एक्यूरेट नाइदर प्रिसाइज, बट अगर वो एक दूसरे के आसपास है और इससे दूर है तो इट इज ओनली प्रिसाइज वैल्यू नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में या कैलकुलेशन में इस चीज का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारा एक्यूरेट और प्रिसाइज था, इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्यूरेट और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, उससे पहले सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को जान लेते हैं, एक सर्टेन वैल्यू होती है एक अनसर्टेन वैल्यू होती है। ठीक है, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है, मान लो देखिए कि कोई भी हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है जैसे 10.2 ग्राम। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये सर्टेन है, ये क्या है सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन का मतलब है कि फिक्स है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 10 तो होगा ही होगा, लेकिन जो 10.2 ग्राम है ना इसमें ये अनसर्टेन है, ये क्या है अनसर्टेन है, अनसर्टेन का मतलब है कि ये फिक्स नहीं है, इसमें 10.3 ग्राम भी हो सकता है 10.1 ग्राम भी हो सकता है, यानी प्लस माइनस 1 हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ये सर्टेन वैल्यू है, ये क्या है अनसर्टेन वैल्यू है। ठीक है, ये सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी होती है। अब हमारा टॉपिक जो आता है सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हमें कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी और हमें बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो उसके लिए रूल है, देखिए टॉपिक का नाम है
सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल है, सबसे पहला रूल है कि रूल नंबर फर्स्ट है साथ के साथ एग्जांपल भी हम करेंगे। सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहला है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। देखिए जैसे जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे हम अगर निकालते हैं, जैसे एग्जांपल अगर मेरे को दे दिया जाए कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अभी जैसे हमने लिखा था 10.2, ठीक है, ग्राम। अब आप बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। देखिए सारे के सारे नॉन जीरो हैं, ठीक है, सॉरी अगर मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ, ये जीरो आ गया ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1, 2 और 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। इसी तरह मैं अगर ले लेता हूँ 22.5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। यानी हमें कोई भी वैल्यू दे दी जाए, यानी 4.1234567 कुछ भी वैल्यू है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 7। यानी नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, ठीक है जी। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये इसका पहला रूल है। अब रूल नंबर सेकेंड आता है, अच्छा एक फर्स्ट रूल में ये भी बताया गया कि एज वेल एज जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, अगर जीरो और जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आती है, मान लो ऐसा है जैसे अभी अभी हमने लिखा था 10.2, तो इसको भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है, इसको भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। इसी तरह से अगर 20.6 आ जाता है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। तो इस तरह से हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला रूल यही है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट एंड जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, और जितने नॉन जीरो डिजिट है, जीरोज है नॉन जीरो डिजिट के बीच में होने चाहिए, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, ठीक है। अब आता है रूल नंबर सेकंड, अच्छे से समझ आया होगा, देखिए रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह रूल नंबर सेकंड आता है, रूल नंबर सेकंड है कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो इज ए डिजिट इन नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। देखिए जीरो जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, ठीक है, अगर जीरो है टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर, अगर लेफ्ट साइड में है नॉन जीरो नंबर से, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है 0.05, तो बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए जितने भी लेफ्ट साइड में नॉन जीरो से लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कुछ भी ले लेते हैं 0.253, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ओनली 3। तो इसी तरह 0.043 ले लेते हैं, अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। तो इस प्रकार मतलब रूल नंबर सेकंड है हमारे पास कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है।
तो ये हमारा सेकंड रूल है। पहला रूल हमने पढ़ लिया कि जितने भी नॉन जीरो हैं या नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन सेकंड रूल हमने पढ़ा कि जितने भी लेफ्ट साइड में होंगी जीरोज, किसी भी नॉन जीरो नंबर के अगर लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोज हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो ये इसका सेकंड रूल था। इसके बाद आता है थर्ड रूल। आपको बस रूल पता होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आपने इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो रूल आता है, इफ ए नंबर एंड इन जीरो बट दीज नंबर आर टू दी राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दी आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, कहने का ये मतलब है कि अगर राइट साइड में जो है जीरो जाता है, इफ राइट साइड में अगर जीरो आता है, राइट साइड जीरो टू द नॉन जीरो नंबर, अगर नॉन जीरो के राइट साइड में आता है जीरो नंबर, देन इट इज सिग्निफिकेंट। तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 5.0 है, जैसे एग्जांपल है 5.0, आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कि कितने होंगे। 2.50 है, ठीक है, 2.500 है, ठीक है, इसके बाद है 0.0200 है। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हमने बताने हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अगर देखिए जीरो आता है लेफ्ट साइड में तब तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन यहां पर देखिए राइट साइड में है तो राइट साइड में इसको काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, टू। तो यहां भी इसको काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, थ्री। तो यहां पर भी काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, फोर। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर जो लेफ्ट साइड के जीरो हैं उसको तो हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन जो राइट साइड के जीरो हैं नॉन जीरो नंबर से उसको हम काउंट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, थ्री। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, थ्री। ये इसका थर्ड रूल था। ये कौन सा रूल था इसका, देखिए रूल नंबर थ्री में हमने एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे 0.500, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में जीरो आते हैं तो इनको काउंट करना है हमें। तो देखिए यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, थ्री। लेकिन अगर डेसिमल नहीं आता है, अगर ऐसी वैल्यू आती है तो हमने इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, वन है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद रूल नंबर फोर आता है। रूल नंबर फोर आता है कि अगर डेसिमल के बाद राइट साइड में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो देखिए इसके दो, इसका एक रीजन है। देखिए अगर मेरे पास कोई वैल्यू इस तरह से दे रखी है 0.500, तो मैं इसको कुछ, देखिए अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, थ्री, अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको इस तरह से भी चेंज कर सकता हूं कि 0.5 × 10^2। अगर मैं इसको इस तरह से चेंज कर लेता हूं 10 की फॉर्म में या 10 की बेस की फॉर्म में, तो क्या है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, वन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, वन। तो बस इस चीज का, ये रूल नंबर फोर है, आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है तो थ्री है, अगर उसी को हम इस तरह से चेंज करेंगे तो वहां पर क्या है, इसको काउंट कर भी सकते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर राइट साइड का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट साइड का जो जीरो है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर फोर था। इससे आगे आता है कि यदि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट वैल्यू दी जाती है तो हम जनरली क्या करते हैं, हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू आती है तो उनको हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो तब हमें किस चीज का ध्यान रखना है, देखिए हमें एक एक्यूरेट वैल्यू निकालनी होती है। मान लो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली है, आप उनका मीन लेते हो, उनको ऐड करते हो या उनको सब्ट्रैक्ट करते हो या उनको डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, तो बाद में जो आंसर आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमारे पास रिजल्ट इस तरह से आया है कि 0.821 है, 0.6 है, 0.4326 कुछ भी है। अब आप देखिए आपने इनको ऐड करना है, जैसे हम छोटे क्लासेज में करते थे ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, वैसे का वैसा ही आपने करना है। जैसे मैं इसको ऐड करता हूं
तो ये कितना है, सिक्स है, टू और वन थ्री है, थ्री और टू फाइव है, और ये टेन और एट एटीन है, और ये वन है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कोई भी वैल्यू आ गई है, तो अब आपने इसका क्या है आंसर बताना है कि एक्यूरेट वैल्यू कितनी आएगी। तो एक बात याद रखिए, जब भी आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है या एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो आपने आंसर उस फॉर्म में निकालना है जिसमें डेसिमल पॉइंट सबसे कम होंगे। यहां डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, थ्री, यहां कितने हैं, फोर, यहां कितने हैं, वन। तो यानी जो हमारा आंसर आएगा वो यहां से आएगा, सबसे कम जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है उतने ही हमारे आंसर में डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.8 आएगा। यहां पर आंसर क्या है, 1.8। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो इससे आगे ये पॉइंट होगा 1. जैसे 85 है, 1.85, अगर यहां पर 5 है तो हमने एक रूल याद रखना है कि अगर 5 से पहले इवन है तब तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर इवन वैल्यू है तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओड डिजिट है, अगर 5 से पहले क्या होता है, यहाँ पे ओड होता, तो इसमें हम एक प्लस कर देते हैं। तो ओड के केस में हमें यहाँ पर एक प्लस करना है। इसी प्रकार यदि हमारा आंसर कुछ इस तरह का आता है, 1.86 आता, अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड डिजिट है डेसिमल के बाद वो 5 से बड़ा है, तो आपने आंसर को कैसे चेंज करना है, 1.8 में एक प्लस कर देना है, तो 1.9 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर यहां पर 1.84 है, अगर ये 5 से छोटी वैल्यू है, तब आपको इसको चेंज नहीं करना है, आंसर यही का यही रहेगा, 1.8। तो हमारे पास ये तीन रूल है। देखिए मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन और प्लस, सब में रूल यही का यही है, आंसर जो आएगा जिसमें सबसे कम डेसिमल के बाद पॉइंट है उसी में आंसर आएगा। बस आपने एक बात याद रखनी है कि अगर 5 से बड़ी है उससे अगला जो डिजिट है, अगर 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा देना है हमने, ठीक है। अगर 5 से छोटा है तो इसको एज इट इज रखना है आंसर को। लेकिन अगर 5 है, अगर देखिए अगला डिजिट 5 है, तो हमें देखना है कि जो इससे पहले वाला डिजिट है वो ओड है या इवन है। अगर इवन है तो आंसर यही का यही आएगा, इवन के केस में तो देखिए आंसर यही का यही आएगा, 1.8। लेकिन अगर ये ओड है तब क्या आएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, वो आएगा 1.9। तो ये आपने रूल याद रखना है। बस ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन थी। चार रूल हैं, चारों रूल आपने पढ़ने हैं, और सम और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सेम रूल है जो मैंने आपको बताया है। रूल को अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए, और ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है, आगे बड़ी क्लासेज में भी बहुत काम आता है। और जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं सभी का रिजल्ट हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालना होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक फिक्स वैल्यू निकाली है, तो उसके लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है, किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कॉमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।